नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया में आपका एक बार और स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि प्रगति मीडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रगति मीडिया क्या ये सच में है, क्या कोई फ्रॉड कंपनी है? प्रगति मीडिया में जुड़ने के बाद में आपको क्या काम करना होता है? क्या आपको अथॉरिटी मिली होती है? प्रगति मीडिया का मीडिया माइक है या आपके पास में और कोई मीडिया माइक है, तो उसके बाद में आपको क्या कैसे उसको इस्तेमाल करना होता है व उसकी आपको क्या अथॉरिटी मिली होती है? इन सभी बातों के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड भी हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज हम आपको कुछ अपने से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हम बता सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रगति मीडिया क्या कोई फ्रॉड कंपनी है या लीगल है। प्रगति मीडिया भारत सरकार के R&A डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है। इसको भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। इसका लाइसेंस नंबर भी है, पुलिस लाइसेंस नंबर भी है, इसकी वेबसाइट भी है। वेबसाइट से भी आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। प्रगति मीडिया में जुड़ने के बाद में वह जब सदस्य हो जाते हैं तो उन्हें क्या काम करना होता है, वह जो उनकी सदस्यता होती है क्या वह सही है या गलत है, इसके बारे में हम कैसे जाने। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो आपको मीडिया जो सदस्यता देती है वह आपको मैनेजर के द्वारा मिली है या एडिटर के द्वारा मिली है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों की महत्वता अलग अलग है। अगर आपको मैनेजर के द्वारा सदस्यता मिली हुई है तो वह आपकी थोड़ी कम है, लेकिन आपको एडिटर के द्वारा सदस्यता मिली हुई है तो वह आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण और आगे अच्छा काम करती है। उसके बाद में आप कहा जाता है कि आप प्रगति मीडिया में अगर सदस्यता ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है। आपको मैं पहले बता दूं कि जब आप सदस्यता लेते हैं, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि मीडिया में ज्वाइन होने के बाद में जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन करना होता है, लेकिन हम प्रगति मीडिया में या किसी भी मीडिया में हम इस तरह से कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि हम किसी ज़िले में एंट्री करते हैं और वहाँ पे हमने 200-300 लोग ज्वाइन कर लिए, इस तरह से नहीं होता है। हमारी कोई चयन सिस्टम नहीं होती है। हम कुछ लोगों की टीम बनाते हैं एक ब्रांच ओपन करने के लिए, एक कार्यालय ओपन करने के लिए। आज के समय में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है कि अगर कोई कहीं पर खबर आ जाती है तो पहले वहाँ पर लोग केवल 1 से 2 पत्रकार जाते थे, लेकिन जियो आने के बाद में, नेट फ्री होने के बाद में इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा फेसबुक पेज ओपन हो चुके हैं कि कोई खबर होती है तो वहाँ पर भीड़ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो पत्रकार ही होते हैं। और वहाँ पर जो पत्रकार को जो भीड़ होती है 80% वो पत्रकार यूट्यूब के या फेसबुक के फेक पत्रकार होते हैं या वेबसाइट बना लेते हैं, वे भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। आप मीडिया में ज्वाइन होते हैं जब सदस्यता लेते हैं, उसके बाद में आपको खबर किस तरह से बनानी होती है और आपको किन किन टॉपिक पर खबर बनानी होगी, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है आपको खबर किस तरह से बनानी होती है। सबसे पहले कि आपको हम थोड़ा सा हम बता दें कि अगर आपके ज़िले में या आपके शहर में कोई घटना हो जाती है तो खबर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि खबर का मतलब क्या होता है। खबर का मतलब होता है कि आप किसी भी खबर को या किसी भी स्टोरी को, कोई वाक्य है उसको आप विस्तार से बताएं, उसको आप डीपली बताएं, उसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। अगर आप उसके बारे में अगर एक लाइन में या छोटी सी स्टोरी बना के दे देंगे तो वो खबर कहाँ से हुए, इसके बारे में आप पूरा पूरा विस्तार से बताएं कि वह किस ज़िले की है, किस शहर की है, किस एरिया की है और वह खबर क्या है। सपोज़ कोई दुर्घटना हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो किसका एक्सीडेंट हुआ है, और अगर एक्सीडेंट करने वाले का नाम आपको पता है, पुलिस से पता लग जाता है, तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, एक्सीडेंट करने के वाले का नाम क्या है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का नंबर क्या है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके परिवार वालों का क्या कहना है और उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ टॉपिक भी है जो आपको टॉपिक पता होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने जो आपको लिंक दिया हुआ है उसमें आप जान सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक पे आपको बात करनी होगी और आपको किस किस टॉपिक पे आप अपनी खबर बना सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको किस किस तरह की अथॉरिटी मिली होती है। आप जब जहाँ से जुड़ते हैं, जब आप सदस्यता लेते हैं, अगर आप छोटी पोस्ट पर हैं तो आप नॉर्मली रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। आप के इलाके में कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो वहाँ पे आप लीगल मीडिया तौर पे जा सकते हैं, जहाँ पे केवल मीडिया ही पर्सन जा सकते हैं वहाँ पर आप भी जा सकते हैं। किसी अधिकारी वगैरह का, अधिकारी का इंटरव्यू लेना होता है
वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ पे PRO ऑफिस से या जिला सूचना कार्यालय से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वह आपको नहीं मिली होती है। जैसे आपकी सदस्यता होती है उस हिसाब से आपको सदस्यता, आपको सर्विस होती है वह मिलती है। यहाँ पे बात आ जाती है, अब आपको जो मीडिया आपको सर्विस क्या क्या देती है, आपको किस किस तरह के लेटर प्रोवाइड कराती है और प्रगति मीडिया आपको कौन कौन से लेटर्स हैं जो जारी आपके लिए करती है। आपकी सदस्यता अगर आपकी अच्छी हो, आपका काम अच्छा आता है, तो आपको यहाँ से कुछ लेटर आपको प्रगति मीडिया आपको देती है। जैसे कि आपको एक अथॉरिटी लेटर भी देती है, आपको DPRO या PRO के लिए लेटर भी देती है, आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने के लिए भी हम एक लेटर जारी करते हैं जहाँ से आप पुलिस वाले के भी कॉन्टेक्ट पर रह सकते हैं। अथॉरिटी लेटर क्या है? अथॉरिटी लेटर का आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में भी जमा करा सकते हैं जहाँ से आपको खबर वगैरह मिल सकती है, और आपके पास में एक लीगल तरीके से एक लेटर हो जाता है कि आप इस मीडिया के साथ में लीगल तरीके से ज्वाइन है, और आपसे कोई अधिकारी वगैरह पूछता है तो आप उसे वह लेटर दिखा सकते हैं। PRO लेटर से आपको वहाँ से आपको ज़िले की खबर मिल जाती है, ज़िले में कोई भी खबर आती है सबसे पहले आपको मिल जाती है, व्हाट्सएप से या मेल के माध्यम से आपको खबर मिल जाती है। कोई प्रेस क्लब मीटिंग होती है आपको वहाँ बुला लिया जाता है। मीडिया का जो ज़िले के जितने मीडिया वाले के ग्रुप होता है उस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाता है, और जो भी सूचना कार्यालय की जो सर्विस होती हैं, जो ज़िले के सूचना कार्यालय की जो सर्विस होती है वह आपको मिलती है। सूचना विज्ञापन की जो डिपार्टमेंट होता है, अगर आप वहाँ से कार्य करते हैं तो आपको विज्ञापन भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में भी आप अपना लेटर जमा करवाते हैं तो वहाँ से आपको पुलिस का कॉन्टैक्ट मिल जाता है, आपको अधिकारियों के साथ में कॉन्टैक्ट मिल जाता है, और आप उनके साथ में खबर वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वह भी आप कर सकते हैं। अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि सर अगर हम मीडिया में ज्वाइन हो गए, अगर हमने सदस्यता ले ली, अगर हम कोई स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं या किसी बड़े काम पे हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप हमसे उसके बारे में आप जानकारी हमें ज़रूर दें, आप हमसे पूछें कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम आपको सलाह देते हैं कि आपको किस तरह से कार्य करना चाहिए जहाँ पर आपको कोई पर्सनली या कोई दिक्कत नहीं आए, और आपको पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो भी हम आपको वह प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप बाई चांस अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपको तब दिक्कत आ जाती है, अगर आप सही हैं, लीगल हैं, तो वहाँ पर हम आपको पुलिस का सपोर्ट कराते हैं। आपके नज़दीक के जो SP होते हैं या आपको जिस तरह से ही पुलिस का सपोर्ट चाहिए होता है हम आपको वह प्रोवाइड कराते हैं। आप यहाँ से अगर रेगुलरली काम करते रहते हैं, अगर आप रेगुलरली अगर आप तरीके से आप अपना वर्क दे रहे हैं, अपना कार्य दे रहे हैं, अपनी खबर दे रहे हैं, अपना प्रगति मीडिया में अपना अपने शहर में नाम कर रहे हैं, तो आपको हम हर तरह से आपको सर्विस यहाँ से देते हैं। प्रगति मीडिया में सदस्यता जुड़ने के बाद में आपको काम क्या करना होता है, आपको अपनी खबर देनी होती है, खबर आपको किस तरह से देनी होती है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लिंक भी हमने आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी खबर देनी होती है। आप अपनी दुकान में या आपका कोई बिजनेस है वहाँ पे भी आप प्रगति मीडिया का बैनर लगवा सकते हैं जिसमें आपका नाम और आपकी आइडेंटिटी है, जो मतलब आपका जो बिजनेस है उसकी आइडेंटिटी और प्रगति मीडिया की आइडेंटिटी वह रहती है। वहाँ पर आप अपना एक टाइटल भी लिख सकते हैं कि खबर व विज्ञापन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वह डिज़ाइन आप प्रगति मीडिया से ले सकते हैं कि बैनर का डिज़ाइन आपको किस तरह से बनाना होता है, और उसे आप वहाँ पे अपना प्रिंट करवा के लगवा सकते हैं। उसके बाद में आपको वेटिंग कार्ड भी आपको दिया जाता है, वेटिंग कार्ड का आपको डिज़ाइन भी दिया जाता है, आप अपना वेटिंग कार्ड भी आपको वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं और आप अपने क्षेत्र में बांट सकते हैं जिससे कि आपको खबरें विज्ञापन आपको मिलती रहे। अगर आप प्रगति मीडिया में सदस्य हो गए हैं उसके बाद में आपको खबरें कितनी देनी होती है, आप प्रगति मीडिया में देखिए, आपको रेगुलरली अगर आपको अपडेशन अच्छा करना है और आपको यहाँ से जो सर्विस होती है जैसे मीडिया मैक की या लेटर्स वगैरह की जो भी सर्विस होती है, तो आपको महीने में कम से कम तो आपको 40 खबर तो आपको देनी चाहिए, कम से कम आपको 40 खबर देनी चाहिए, और उसमें आप प्रगति मीडिया के बारे में कम से कम आप 2 खबर प्रगति मीडिया के बारे में आप ज़रूर लिखें। प्रगति मीडिया के आप अपने क्षेत्र में प्रगति मीडिया का नाम किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में आप प्रगति मीडिया के बारे में आप ज़रूर लिखें। दूसरी बात आ जाती है कि प्रगति मीडिया का अगर आपको मीडिया माइक मिला हुआ है या आपको और किसी मीडिया का मीडिया माइक मिला हुआ है तो उससे आपको काम कैसे करना होता है।
सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपको जो मीडिया माइक मिला होता है उसको यूज कैसे करना है, आपका जो कैमरा मैन होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल करवाना है, ये जानना ज़रूरी है। मीडिया माइक से संबंधित हमने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे आप जान सकते हैं कि मीडिया माइक आपको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, उसकी केबल्स अलग अलग होती हैं, उनको आपको अगर फ़ोन में इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आपको कैमरे में इस्तेमाल करना है तो किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे रखी है, वह आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो कैमरा होता है, जो मीडिया माइक रिपोर्टर कर रहा है उसके सामने जो कैमरामैन होता है, वह कैमरामैन उस कैमरे को किस तरह से पकड़े जिससे कि रिपोर्टर को आसानी हो खबर देने में। हमारे पास में एक, हम सपोज कर लेते हैं अभी हमारे पास में कोई कैमरा या कोई फ़ोन नहीं है, इसलिए हम एक एग्जांपल के लिए इसको फ़ोन मान लेते हैं, मोबाइल मान लेते हैं। अक्सर लोग अपनी वीडियो, कोई घटना हो जाती है तो वीडियो को इस तरह से बनाते हैं वर्टिकल, इसे वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल बनाते हैं। लेकिन आप अपनी कोई खबर वगैरह हो जाती है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल बनाएं। हॉरिजॉन्टल बनाने से क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में या कहीं भी जो खबर होती है वो हॉरिजॉन्टल रहती है, और अगर आप वर्टिकल खबर बनाते हैं उसे अगर हम बड़ा करते हैं तो उसकी पिक्सल जो उसकी क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है। दूसरी बात, जो आप मीडिया माइक अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मीडिया माइक को इस तरह से रखें जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने आए और आपकी आईडी बिल्कुल कैमरे में साफ साफ दिखे, ना कि उससे आपका चेहरा ढक जाए। माइक को आप थोड़ा सा अपने वॉल्यूम के हिसाब से, साउंड के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा अभी आपकी माइक की क्वालिटी है। यहाँ से जो मीडिया माइक की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, उसे आप यहाँ तक भी अपना कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि मीडिया माइक से अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करनी होती है। सबसे पहले आप अपना नाम लें, आप सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कहीं रामलीला हो रही है तो वहाँ आपको किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले आप जाते हैं तो आप अपना कैमरे का जो सेटिंग है, जो माइक की सेटिंग है, वह आप पहले से कर लें या वहाँ जाके आप कर लें। प्रोग्राम जहाँ हो रहा है उसके सामने, जैसे पंडाल में हो रहा है, पंडाल के सामने वहाँ पे जहाँ पे आपका मतलब पूरा दिख सके कि आप किस बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, आप जैसे पंडाल का जो गेट होता है मैन एंट्री गेट, वहाँ पे आप खड़े हो जाएं और कैमरामैन को सामने खड़े कर दें और वहाँ पे आप सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ पर हैं, आपका नाम क्या है, आप किस मीडिया से बात कर रहे हैं और आप किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये आप पहले बताएं। उसके बाद में वहाँ पे अगर आपको कोई जैसे रामलीला के बारे में अगर आप पूछना है तो वहाँ से एक दो पर्सन से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको उनके रामलीला के जो हेड होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रामलीला कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके कोई हेड है, अगर आपको उनका इंटरव्यू लेना है, वन टू वन करना है उनका, अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप किसी मीडिया पर्सन अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसके बीच में आप जाके ना घुसें। आप अगर आपको लग रहा है तो आप साइड से उनसे पूछ के आप अपना माइक लगा सकते हैं, या आप उसका इंटरव्यू, उनकी जो हेड है उनका इंटरव्यू आप बाद में ले सकते हैं, या आपको ऑलरेडी जिसने इन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ है उनसे भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन आप खुद इंटरव्यू लेते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें आपका मीडिया माइक शो होता है। उसके बाद में आपको इंटरव्यू लेते समय सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आप अपना नाम बताएं, अपनी मीडिया के बारे में बताएं। उसके बाद में आप जिस प्रोग्राम के बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम के बारे में आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम से आप महत्वपूर्ण बातें के बारे में आप जानें, ना कि कोई ऐसी फालतू बात करें जिससे कि सामने वाला जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाए। आप उनसे प्रोग्राम के बारे में, जैसे रामलीला हो गया तो रामलीला का किस तरह का आपको इस समय, आपको कितनी भीड़ भाड़ मिली है, आपको किस तरह की सेवा मिली है, लोगों का कितना सपोर्ट मिला है, यहाँ पर माहौल किस तरह का, मतलब जो ज़रूरी बातें हैं आप वैसी रखें। आप ऐसी कुछ क्वेश्चन ना करें कि आपको कितना पैसा आया है या राम जी किस तरह से, मतलब कुछ ऐसी फालतू बातें ना करें। तो ये सब बातें आपको थोड़ी रखनी है। हाँ, दूसरी बात आपको ये कि कैमरामैन से आप जरूर कहें कि हमने देखा है जो रिपोर्टर होता है रिपोर्टिंग कर रहा है लेकिन उसका कैमरा होता है वो ज़मीन को छू रहा है या आसमान में चला गया या लेफ्ट राइट हो गया, तो कैमरामैन से कहें वह उन बातों को ज़रूर ध्यान रखें कि वो रिपोर्टर और जिसके साथ में आप इंटरव्यू ले रहे हैं उन आप दोनों उसे साफ साफ कैमरामैन को दिखें, और अपने माइक को भी आप टेस्ट कर लें कि आपकी माइक की वॉइस है वो सही आए। ऐसा नहीं हो कि आपने इंटरव्यू ले लिया लेकिन आपकी माइक की ही वॉइस ही ठीक नहीं आ रही है। उसके बाद में एक चीज़ है कि
इंटरव्यू लेते समय आप इन बातों का और ध्यान रखें कि आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे पूछ लें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मीडिया माइक से इंटरव्यू लेते समय किसी भी तरह की और कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा ना खींचें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप बता सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पर या किसी ऐतिहासिक जगह पर आप गए हुए हैं, अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आपकी मीडिया के बारे में लोग जानें। कई बार हमने देखा है कि कोई इंटरव्यू लेने गया है, एक बंदे के साथ लग जाता है, वहीं से इंटरव्यू लेके आ जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर आप 5 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो 10-15 लोगों तक आप इंटरव्यू लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ के इंटरव्यू लें, भीड़ में अपना मीडिया का नाम करें कि आप कुछ हैं, आपको एक वहाँ के रिपोर्टर हैं और वहाँ की कोई मीडिया है जिसके द्वारा आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप अकेले किसी इंटरव्यू को लेके आ गए तो क्या कौन क्या जानेगा, तो थोड़ा सा वहाँ के बारे में आप चर्चा करें। ये बात आपको समझदार है, आप इन बातों को समझ रहे होंगे। आपको हमने इस वीडियो में बताया कि आपको सदस्यता जुड़ने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको कौन कौन से लेटर्स आपको मिले होते हैं, प्रगति मीडिया किस तरह से कार्य करती है हमने आपको ये बताया है, और प्रगति मीडिया की वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्रगति मीडिया भारत के अलग अलग राज्यों में हर तरह की खबर लेती है, महाराष्ट्र की भी, छत्तीसगढ़ की भी, यूपी की भी और गुजरात की भी, हाँ पंजाब की भी, मतलब हर तरह की हमारे पास में, हर भाषा की हमारे पास में खबर आती है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं और उस खबर को हम आगे तक पहुंचाते हैं। प्रगति मीडिया अपनी सदस्यता, अपने प्रगति मीडिया का जो नाम है वो भारत के हर जिले में अपना नाम करना चाहता है, जिससे कि हमें वहाँ पर लोग जुड़े और वहाँ पे हमारी ब्रांच ओपन हो और हमारा कार आगे बढ़े। ब्रांच सबसे पहले आप जुड़ने के बाद में आपको खबर वगैरह देनी होती है, उसके बाद में आप अपना बैनर या अपना विजिटिंग कार्ड है वो बनवा सकते हैं। खबर के टॉपिक क्या होते हैं वो आप कर सकते हैं। आप नॉर्मल लेवल पे जुड़े हुए हैं तो आपको नॉर्मल लेवल से आप खबर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी सदस्यता है तो आपको वहाँ पर आपको हम लेटर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ से आपको सर्विस मिल जाती है।